स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि बेसिकली आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, और इसके अलावा हमने देखा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास क्या होते हैं। आज के लेक्चर में बेटा हम जो है उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फर्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है बेटा? ये आपके पास टाइप ऑफ सेल है जिसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल करंट जो है उसको सोल्यूशन में से गुजारा जाता है। यानी बेसिकली ये आपके पास कौन सा वाला सेल है जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करोगे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करोगे, वहां पे केमिकल रिएक्शन कराओगे, और आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। अगर आपको प्रॉपर इसकी डेफिनेशन करनी है तो बेटा ये आपके पास ये आएगी, इट्स अ टाइप ऑफ सेल इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सोल्यूशन। ये आपके पास ऐसा टाइप ऑफ सेल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को यूज किया जाता है और उसको सोल्यूशन में से गुजारा जाता है। और बेटा ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी बोला जाता है। अब क्या रीजन है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलने की? बेटा जो रिएक्शन आपके पास खुद ब खुद हो जाते हैं वो रिएक्शन आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाते हैं, और जो रिएक्शन आपके पास खुद ब खुद नहीं हो रहे होते वो रिएक्शन आपके पास क्या कहलाते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाते हैं। आपको उन रिएक्शन को करवाने के लिए बाहर से किसी ना किसी तरह का या तो एनर्जी देना पड़ती है, प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ता है, किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई मदद करनी पड़ती है, तब जाके वो रिएक्शन होते हैं। तो इसमें भी बेसिकली हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे, आप करंट को इस्तेमाल करोगे, आप बैटरी को इस्तेमाल करोगे तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे सपोज आपके पास जो है रिमोट है, आप रिमोट में आप अगर सेल नहीं डालते, आप उसको बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करें ना, क्या रिमोट वैसे चलेगा? नहीं चलेगा। इसी तरह से आपने फैन चलाना है, आप फैन के लिए क्या करते हो, स्विच ऑन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी उसको सप्लाई होती है तब वो चलता है, अदरवाइज वो नहीं चल रहा होता। तो ऐसे रिएक्शन जो आपके पास खुद ब खुद नहीं हो सकते, जिनको करवाने के लिए हमें एक तो सोल्यूशन चाहिए होता है, और सोल्यूशन के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिकल करंट चाहिए होता है। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। आपको नाम से ही पता चल जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी, लिटिक मीन क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में हमारे पास किसी तरह की ब्रेकडाउन हो रही है। लिटिक वर्ड निकला है लेसिस से, लेसिस का क्या मतलब होता है, ब्रेकडाउन। तो इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हुए आपने जो है वो किसी तरह के केमिकल को ब्रेकडाउन करना है, वो क्या कहलाता है आपके पास, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाता है। और बेटा यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें एक रिएक्शन हो रहा होता है, जिसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। तो बेसिकली उसी वर्ड से जो है वो वर्ड बनाया गया इलेक्ट्रोलिटिक, यानी इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करके आप कंपाउंड को तोड़ेंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोला जाता है। और आप उसको तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल नहीं कर लेते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी रिएक्शन खुद नहीं होता आप जब तक इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है बेटा, अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस बेटा ये ऐसे आपके पास जो है वो टाइप है, इलेक्ट्रोलिसिस मीन चार्जेस की ब्रेकडाउन। आपके पास कोई भी एक कंपाउंड है, जैसे सपोज Na है, NaCl आपके पास एक कंपाउंड है, आपने इसको तोड़ना है, आपने वहां से सोडियम मेटल को अलग करना है, क्लोरीन गैस को अलग करना है। अब उनको अलग अलग करने के लिए बेसिकली क्या होगा, आपके पास कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी में आप क्या करोगे, उस NaCl को जब Na और Cl में ब्रेक डाउन कर देते हो, ये आपके पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। यानी ये रिएक्शन आपके पास लिखा गया है, NaCl आपके पास दोनों जुड़े हुए होते हैं, जब आप इनको जो है वो किसमें कन्वर्ट करते हो, Na मेटल को अलग कर देते हो, क्लोरीन गैस को अलग करते हो, ये रिएक्शन जिसमें आप एक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में उसके पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर रहे होते हो, वो क्या कहलाता है, आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपके पास क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही होती है। अब उसके बाद आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल को कैसे बना सकते हो, तो बेसिकली यहाँ पे आपको तीन चीजें चाहिए होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाने के लिए। सबसे पहले बैटरी है, आपको यहाँ पे दिखाई गई है। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रोलाइट है। किसी भी तरह का सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए, वो या तो आपके पास मेल्ट फॉर्म में होना चाहिए या फिर पूरा सोल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके पास इलेक्ट्रोड होने चाहिए, यानी मेटल की स्ट्रिप होनी चाहिए। आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट लेने के बाद आपने मेटल की वो स्ट्रिप अंदर डाली और मेटल की स्ट्रिप को आपने बैटरी के साथ अटैच कर दिया, आपके पास पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है। अब बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, बेसिकली इलेक्ट्रोड क्या चीज होती है, इलेक्ट्रोड बेसिकली हमारे पास मेटल की ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड, ये दोनों स्ट्रिप्स जो है मेटल की इलेक्ट्रोड है, एक को हम एनोड बोलते हैं, एक को हम कैथोड का नाम देते हैं।
पॉजिटिव साइड से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? जो बैटरी के पॉजिटिव साइड से आप सेल लेते हो ना, सेल के एक साइड पे पॉजिटिव लिखा होता है, एक साइड पे जो है वो नेगेटिव लिखा होता है। आप पॉजिटिव सेल की जो पॉजिटिव साइड होती है सेल की, वो क्या होती है? वो आपके पास एनोड कहलाती है। तो वो कहते हैं बैटरी का वो सिरा या फिर आपके पास इलेक्ट्रोड वो जो अटैच होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, उसको क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। और बैटरी का जो आपके पास इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे? हम कैथोड बोलेंगे। यानी बैटरी का ऐसे साइड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा आपके पास, यानी जिस टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपके पास कहलाएगा एनोड, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा? आपके पास कैथोड कहलाएगा। नेगेटिव चार्ज बेटा आपके पास कैथोड है और पॉजिटिव चार्ज आपके पास क्या होगा? एनोड होगा। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरह से काम करता है। अब उसकी वर्किंग बताते हुए बेटा हम बात करते हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। वो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आ रहा होता है? वो बैटरी से आ रहा होता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट वहां से गुजारा जाता है, जाहिर सी बात है उसके अंदर आपने किसी ना किसी तरह का इलेक्ट्रोलाइट लिया होता है, आप किसी ना किसी तरह का वहां पर मटेरियल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसको या तो आपने सॉल्यूशन के फॉर्म में लिया होता है या फिर आपने क्या कहता है उसको मेल्ट किया होता है। आपने लिया उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस मीन उसकी ब्रेक डाउन होती है उस कंपाउंड की। अब ब्रेक डाउन होने के बाद आपके पास क्या होते हैं? अब जाहिर सी बात है जैसे सपोज करें आपने NaCl लिया, NaCl की ब्रेक डाउन होती है फ्यूज फॉर्म में। फ्यूज का मतलब है मेल्ट फॉर्म में आपने सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करके लिया, मेल्ट कर किया, जब आपने सोडियम अलग हो गया क्लोराइड आयन जो है अलग हो गया। आपको सोडियम आयन, आपको क्लोराइड आयन नहीं चाहिए, आपको प्योर सोडियम चाहिए, आपको प्योर क्लोरीन गैस चाहिए। अब आप उसको प्योर सोडियम और प्योर क्लोरीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बेसिकली ये सेल के अंदर रिएक्शन इस तरह से होता है कि जो एनोड होता है उसकी तरफ क्या जाते हैं? एनायंस जाते हैं। ठीक है, जो आपके पास जितने भी एनायंस होंगे वो हमेशा किसकी तरफ मूव करेंगे? वो मूव करेंगे एनोड की तरफ। क्यों? क्योंकि एनोड पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। आपके पास कौन सा चार्ज होता है? एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जितनी भी नेगेटिव स्पीशी होंगी वो किसकी तरफ मूव करेंगी? पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगी। तो जितने भी आपके पास यहाँ पे क्लोराइड आयन है वो आगे किसके साथ अटैच हो जाएंगे? वो अटैच होंगे इस जो है एनोड के साथ। अब वो एनोड के साथ जब अटैच हुए, अब जाहिर सी बात है क्लोराइड आयन पे नेगेटिव चार्ज है, उसको स्टेबल करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे रिमूव करना शुरू कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकालना शुरू कर देते हैं, लूज करना शुरू कर देते हैं। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होती है। तो बेटा हमेशा आपके पास एनोड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन किसके इसके ऊपर इस इलेक्ट्रोड पे जमा होंगे और क्लोरीन गैस जो है यहाँ पे अलग होती जाएगी, यानी सेपरेट होती जाएगी। आप किसी भी एक प्रॉपर जो है वहां पे रास्ता होता है उसके थ्रू क्लोरीन गैस को वहां से सेपरेट आउट कर लोगे। बाकी रह गया आपके पास सोडियम आयन। अब सोडियम आयन में चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ मूव करेगा? नेगेटिव चार्ज की तरफ। और नेगेटिव चार्ज वाले को क्या बोला जाता है? कैथोड बोला जाता है। कैथोड पे आपके पास चार्ज नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले जितने भी आयन होंगे वो इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। जब वो मूव करके वहां पे जाएंगे, अब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करते हैं कि इसी टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देते हैं। जब ये वहां से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन का गेन करना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाती है। तो बेसिकली कैथोड पे आपके पास क्या हो रही थी? रिडक्शन हो रही होती है। अगर एनोड और कैथोड पे होने वाले रिएक्शन को इकट्ठा लिखा जाए तो बेटा आपके पास रिएक्शन इस तरह से होगा। सोडियम और क्लोराइड जो आपके पास जो है वो जिनकी इलेक्ट्रोलिसिस हो चुकी होती है वो सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस के फॉर्म में अलग हो जाते हैं। गैस को आप क्योंकि हल्की होती है गैस, गैस ऊपर की तरफ आएगी, आप वहां से सेपरेट आउट कर लोगे। मेटल वजनी होती है, वजनी होने की वजह से वो नीचे बैठ जाएगी, आप नीचे से उसको सेपरेट आउट कर लोगे। इसी तरह से बेटा आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो काम करता है। नेक्स्ट देखिए हम बात करें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की ब्रेकडाउन आपके पास किससे की जाती है? वाटर को हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं? हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करके यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कैसे बना सकते हैं? तो बेसिकली बेटा वाटर जो है आपको एमसी को भी आता है कि वाटर आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो बेटा वाटर जो है ये आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है क्योंकि ये कभी खुद ब खुद अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं होता। इसको आयंस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा एसिड ऐड करते हैं। आप जैसे ही एसिड ऐड करते हो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो आपके पास क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। अब यहाँ पे भी सेम बिल्कुल उसी तरह से आयंस बन गए जिस तरह से आपके पास की सोडियम क्लोराइड के आयंस बने थे। सोडियम अलग हो गया था, क्लोराइड आयन अलग हो गया था। हमें ये आयंस नहीं चाहिए, हमें
बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, जो एनोड होगा एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी आपके पास एनोड पे। बेटा आपके पास ऑक्सीडेशन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होने की वजह से एनोड पे चार्ज क्या होता है, आपके पास एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें कौन सी साइड चीज से मूव करके जाएगी, आपके पास जितने भी नेगेटिव आयन है वो एनोड की तरफ आएंगे। तो नेगेटिव आयन आपके पास क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है। हाइड्रोक्सिल आयन जैसे ही यहाँ पे आएगा उसकी क्या होगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। आपके पास सबसे पहले चार इलेक्ट्रॉन इसमें रिमूव किए, जैसे ही चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव होते हैं आपके पास क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये अलग अलग हो जाते हैं, यानी आपके पास चार ऑक्सीजन और चार हाइड्रोजन जो है ये बन रहे होते हैं। अगर आपको यहाँ से नजर आ रहा हो या थोड़ा सा आइडिया हो रहा हो तो हम इस हाइड्रोजन को 2H2 लिख सकते हैं, डेफिनेटली हम इसको लिख सकते हैं। और इस ऑक्सीजन को अगर मैं इसमें से एक ऑक्सीजन ले लूँ, दो ऑक्सीजन ले लूँ तो आपके पास दो वाटर के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास जो चीज बचती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन है वो आपके पास बाकी बच जाती है। तो बेसिकली एनोड पे आपके पास जो रिएक्शन होता है उसमें आपके पास जो है 4-hydroxyl आयन जो है वो क्या करते हैं, चार इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन का लूज होना ऑक्सीडेशन है। जैसे ही ऑक्सीडेशन होती है आपके पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है और साथ में आपके पास क्या बन रहा होता है, पूरा एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बन रहा होता है। अब उसके बाद बेटा क्या होता है, कैथोड पे आपके पास जो रिएक्शन होता है, कैथोड पे जो आपके पास रिएक्शन होगा वो रिएक्शन क्या होता है, कैथोड पे चार्ज क्या होगा, कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज होने की वजह से मोस्टली यहाँ पे होती भी क्या है, रिडक्शन होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा होता है। अब कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या चीज मूव करेगी, हाइड्रोजन। H पॉजिटिव यहाँ पे मूव करेगा, अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेने हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन लेने हैं, जो हाइड्रोक्सिल आयन में इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा और आपके पास क्या बन जाता है, अब चार हाइड्रोजन आ गए, इन चार हाइड्रोजन को आप इस तरह से लिख सकते हैं 2H2, यानी आपके पास यहाँ पे क्या बन रही होती है, ऑक्सीजन गैस बन रही होती है और साथ में आपके पास हाइड्रोजन जो है वो बन रहा होता है। अगर ओवरऑल बेटा रिएक्शन लिखा जाए तो ये रिएक्शन आपके पास कुछ इस तरह से होता है, ओवरऑल रिएक्शन देखिए, 4 आपके पास हाइड्रोजन और 4 ही हाइड्रोक्सिल आयन है। जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो आपके पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं, साथ में आपके पास एक ऑक्सीजन और साथ में आपके पास जो है 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बन जाते हैं, यानी हाइड्रोजन की क्वांटिटी डबल होती है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी वहां पे क्या होती है, जो है सिंगल होती है। यानी अगर सपोज हाइड्रोजन चार, आपके पास 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बनेंगे तो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बनेगा, अगर हाइड्रोजन आपके पास 4 बन रहे हैं तो ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी वहां पे क्या होती है, ज्यादा होती है। ये हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है वो बना रहे होते हैं। आपको नजर भी आ रहा होगा कि हमारे पास जो है दोनों गैसेज बन रही है, तो वाटर की हाइड्रोलिसिस हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाते हैं। और जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं सोडियम क्लोराइड की, मोल्टन सोडियम क्लोराइड की या फ्यूज सोडियम क्लोराइड की, तो आपके पास प्योर सोडियम मेटल और साथ में क्लोरीन गैस जो है वो बन रही होती है। होप सो आप लोगों को लेक्चर क्लियर हो गया होगा कि आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग को देखा और इसके बाद हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दी वाटर देखा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, हैव अ वेरी नाइस।